जिला सोलन के वाटना घाट के पास जेपी विश्वविद्यालय के पास एक टिप्पर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में टिप्पर चालक की अस्पताल ले जाते समय मौत हो गई। ये टिप्पर फोरलेन निर्माण कार्य में लगा हुआ था और मिट्टी लेकर जा रहा था कि अचानक जेपी विश्वविद्यालय के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। कालका शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर वाटना घाट के समीप एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त होकर करीब 200 फुट गहरी खाई में जा गिरा। हादसे में गंभीर रूप से घायल चालक की आईजीएमसी ले जाते समय मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार ट्रक फोरलेन के काम में लगा हुआ है और वाकना घाट से रावली डंपिंग प्वाइंट पर मिट्टी गिराने गया था। गंभीर रूप से घायल चालक को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल पहुँचाया गया, लेकिन उसकी रास्ते में मौत हो गई। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शिव कुमार ने मामले की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। मॉर्निंग में लगभग 10:30 बजे हमें कंडाघाट थाने में सूचना मिली थी कि बाकनाघाट जेपी रोड पे एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इस पे एसएचओ अपनी टीम सहित मौके पे गए थे तो पाया कि एक उत्तराखंड नंबर का ट्रक है, जिसको कि मिस्टर राजेश प्रसाद, जो यूपी का रहने वाला है, 46 ईयर्स का, ये चला रहा था और पास लेते हुए ये वहाँ पे जो है डिसबैलेंस हो गया गाड़ी जो है, और ये नीचे गिर गया ट्रक के साथ। इसको वहाँ से हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे इसको डॉक्टर्स ने डेड घोषित कर दिया है। इस पर पुलिस ने फिर केस दर्ज कर रही है और फर्दर जो भी इसमें कार्रवाई है वो कानून के अनुसार की जाएगी। प्राइमा फेसी जांच पे ये पाया गया है कि ये फोर लेन का ही मक लेके जा रहा था और कहीं पे डंपिंग साइट के लिए जा रहा था। बाकी ये ट्रक किसका है, ओनर कौन है, कोई कॉन्ट्रैक्टर है या कंपनी का अपना है, इस पे आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल।